आबू रोड पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आपको बता दें, कानपुर हवाई अड्डे से निकलने के बाद कर्मचारी स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित इंदिरा रसोई पहुंचे। और आपको बता दें, इंदिरा रसोई पहुंचने पर महिलाओं द्वारा स्वागत किया गया। इंदिरा रसोई के बारे में महिलाओं से जानकारी प्राप्त कर उस पर बनने वाले भोजन के विषय में जानकारी ली। समूह के अध्यक्ष रमीला कटारिया ने बताया कि हमारे यहाँ महिलाएं भोजन बनाने व इंदिरा रसोई का संचालन सफलतापूर्वक कर रही हैं। 20 परिवारों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। अध्यक्ष रमीला कटारिया, उपाध्यक्ष सुनीता बेरवा, सचिव मनाली, ऑपरेटर पूजा राणा, कोमल कुमारी, नैनू बंजारा, रेखा बंजारा सहित 20 से अधिक महिलाएं यहां पर कार्यरत हैं, जिनके परिवार का गुजारा इंदिरा रसोई से होने वाली आमदनी से होता है। मुख्यमंत्री गहलोत ने महिलाओं से आत्मीयता से बात करते हुए उनसे रसोई के माध्यम से आने वाली आमदनी के बारे में बारीकी से जानकारी ली और भी कई अहम विषय पर जानकारी ली। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो कार्ड बना ना, वही बड़ा बड़ा वो बिल्कुल साफ दवाई लेते हैं, एक रुपये नहीं लगे उसका। सोमवार मंगलवार जाए नमस्कार, मैं सुनीता बेरवा, कम शक्ति स्वयं सहायता समूह की उपाध्यक्ष। मेरे साथ हैं अध्यक्ष श्रीमती रमीला कटारिया। आज जो हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का जो दौरा हमारे इंदिरा रसोई में रहा, उसके लिए हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उन्होंने आज हमारे इंदिरा रसोई का जायजा किया। उन्होंने जानकारी ली कि यहाँ पे कितने श्रमिक आके यहाँ पे भोजन का लाभ प्राप्त करते हैं और जितने भी यहाँ पे गुजरात से पैदा होने वाले लोग भी इधर आके जाते हैं। उन्होंने भोजन का भी जायजा लिया, जो बारीकियों को जाना। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो गांव लेवल की जितनी भी योजनाएं हैं उसको लेकर भी थोड़ी चर्चा की। तो हमने उन्हें ये भी कन्विंस किया है कि आने वाले टाइम में हम उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंदिरा रसोई के माध्यम से लगभग 30 महिलाओं के परिवार को रोजगार प्राप्त हो रहा है और उनकी वजह से आने वाले टाइम में भी इसका काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा। आने वाले टाइम में इंदिरा रसोई का बहुत नाम होगा और इसके माध्यम से लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। यहाँ पे बहुत जरूरत भी है, इस एरिया में जरूरत भी थी, लेकिन कमियां हैं उसको लेकर के हमने उनके सामने बात कर ली। तो वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको पूर्ण करवाएंगे।